स्टार्ट में आपको नहीं पता है कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेंड नहीं हूँ, मैं तो ट्रेंड हूँ लेकिन प्रोफेशनल जो है ना स्पोर्ट्स शूटिंग इस तरह का मैं नहीं करता, शौकिया रखे हुए हैं और सेफ्टी जॉब के हिसाब से थोड़ी बहुत जो होती है उस पर रखे, बाकी जो है शौकिया ऐसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आप देखेंगे मैंने इसको इस तरह कवर्ड किया हुआ है ताकि बच्चों की पहुँच से दूर रखे, और हर वेपन जो है उसको आपने जब भी घर पर रखना है बिल्कुल सेफ और बिल्कुल अनलोडेड, बिल्कुल कोशिश करिएगा। मेरा अपना ये है, मैं वो नहीं कहता कि इस तरह करना चाहिए, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है क्योंकि मेरा जो है बच्चों का घर है, सारी कंबाइंड फैमिली आपको पता है, लेकिन यहाँ तक अप्रोच किसी के नहीं, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन आप देखें किसी भी वेपन पे, मेरे किसी भी वेपन पे मग नहीं होगा, मैगजीन नहीं लगा हुआ मैंने, सबसे मैगजीन हटा के सबके प्रॉपर लाइसेंस्ड, प्रॉपर लाइसेंस सबके सबके साथ, जैसे अभी आप ये कहते हैं कि ये मेरा EDC मतलब एवरीडे कैरी जो है पिस्टल है, ये रहा ये सिर्फ जस्ट इसका जस्ट ये EDC कैरी पिस्टल है मेरा जो कि 24/7 मेरे साथ होता है, इसका भी प्रॉपर लाइसेंस के साथ है, सिर्फ इसमें मेरा एक जो मग लगा हुआ है, इन इमरजेंसी सूरत में मैंने इसमें अपना मग अभी करता हूँ और ये चैम्बर रहता है, लेकिन मेरे साइंस में और मेरे उसमें होता है इसीलिए मैं इसको एक अलग हैंगिंग करता हूँ। ये EDC है, एवरीडे कैरी चीज़ है तो इसलिए, और लेकिन लाइसेंस्ड हमेशा हमेशा आपके पास जो भी प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंट्री करनी है, अपने लाइसेंस वगैरह सब कैरी करने, कोई भी चीज़ आपने एक अच्छा शेयरी होने का सबूत देना है, कोई भी चीज़ इलीगल आपने नहीं करनी, जिस चीज़ का आप लीगल वे में जा सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ के जरिए या उस चीज़ के लिए आपको इलीगल जाना चाहिए। अच्छा जी, EDC है, इसका ये मग लगा हुआ है, तो ये मेरी मजबूरी है इसका मग लगाना, क्योंकि अक्सर इमरजेंसी कॉल ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें थोड़ा सा इंसान होता है बच्चों के साथ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझे रेगुलर यूजेस के लिए नहीं है, वो अक्सर अगर ट्रैवलिंग में या कहीं हम हंटिंग पे चलेगा या वैसे ही आपको पता है शूटिंग रेंज वगैरह पे चलेगा, तो उसके लिए मग, बाकी सबके मग आउट रखने। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया मैगजीन आउट, ये है बिलिनी की सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन, 12 बोर पे जो है इसका वो है, ये भी मेड इन टर्की है, और शॉटगन्स में मतलब सेमी ऑटोमेटिक में मुझे अच्छी लगी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, और शाहीन पे, POF पे, स्पेगर पे, बहुत से कारतूस पे इसने कभी प्रॉब्लम नहीं करी, तो ये है ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छी है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी अच्छी है, और सिक्योरिटी के लिए और वैसे भी आप देखो एक अलग ही शश्क है, तो M4 वाला लुक है। मैं अगर आपको ये खाली मैगजीन है आगे दिखाता हूँ, ये देखें ये और ये इसका ये पूरी फिंगर आउट, हमेशा फिंगर डिसिप्लिन आपने रखना है, फिंगर आउट, ये देखें जी बेहतरीन शॉटगन है टर्की मेड, ओके मग आउट करते हैं और इसको लॉक। अच्छा जी, अच्छा तो मैं आपको ये कह रहा था कि थोड़ा सा कलेक्शन दिखा रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट शॉटगन है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी शॉटगन है, मेरी फेवरेट शॉटगन है, एक्चुअली नो वेट, मेरे हिसाब से इसका कोई वेट नहीं है, एक तो इसमें जो है आकार टर्की मेड है ये और 5 शॉट है ये, मैं ये नहीं कहूँगा मेरी कलेक्शन में दुनिया की सबसे अच्छी है, कि मुझे अच्छी लगती है तो भाई मेरी फेवरेट है, बाकी उन्हें उसका जो कलर है तकरीबन इसको 12 से 13 साल हो गए मेरे पास, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं इस टाइम पे अगर आपको दिख रही होगी थोड़ी, हाँ, थोड़ी बहुत जो मेरी कहते हैं कुथाई की वजह से कहीं वो खराब हुई है ब्लर हुई है तो हुई होगी, अदरवाइज बेहतरीन चीज़ है, आकार का मैड है, टर्की मैड है, आकार कंपनी का, और 5 शॉट ये शॉटगन है, तो और ये जो है अभी हम आपको दिखाते हैं सेम कलर इसका, ये दिखने में आपको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है SS सीरीज की वजह से, ये देखेंगे
ठीक है, ये राइफल है। अच्छा मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये ऐसे सीरीज जो लगी हुई है ये कोई प्रोफेशनली ऐसे सीरीज नहीं लगी हुई कि ये इसी तरह लगती है, ये मैंने डिस्प्ले के लिए इसको बोलते हैं शशका या तड़का लगाना उसके लिए लगाई हुई है, कोई प्रोफेशनल नहीं लगी हुई और मतलब सेटिंग हुई भी आप ही देखते हैं ये ऑन है सारी चीज़ें रूम पे, ये भी और ये फ्लैशर है इसका ये भी ऑन है और स्कोप भी इसका वर्किंग में, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीके से नहीं लगी हुई प्रोफेशनल, ये सिर्फ जो है वैसे डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले पे थोड़ी सी अच्छी लगती है ये है। और ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल है और ये कन्वर्ट हुई भी है, पहले वुडन बॉडी पे थी उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट की भी, ये सेल 223 और 5.56 उसमें है कैलिबर में। अच्छा जी ये चीज़ ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये एज अ सिक्योरिटी गार्ड की पिस्टल, मतलब ये पिस्टल है, ये 34 कैलिबर है इसका, 34 कैलिबर है, लोकल मेड ये है और ये हमारे वॉचमैन मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें जो है 20 क्या कहते हैं उसका बुलेट्स का मैगजीन है इसका, और ये भी सेमी ऑटोमेटिक है और ये लोकल मेड है और ये 30 कैलिबर में नॉर्मली यूज़ की जाती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह के लिए। अच्छा जी अब ये मैं आपको बताऊँ EDC, कभी कभी ये भी EDC है, ये आ गया ग्लॉक 19। लेकिन सबसे पहले लाइसेंस्ड आपने एनी टाइम एनी वेयर आपने उसके साथ रखना है, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम को आपको इशारा आ जाएगा IG साइड पे, तो कभी भी जो है अपनी। अच्छा ये ग्लॉक है, ग्लॉक 19 Gen 5, ये आप देख सकते हैं कंडीशन में मिंट कंडीशन है, एक तो ये कलेक्शन में हमारे पास, और इसके बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है क्योंकि उसके स्क्रैचेस जो है मुझसे आ गए थे, तो ये एक मग मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है इसका और पॉइंट में, और ये एक ये हो गया जी कलेक्शन में हमारे पास, ये कलेक्शन है। लाइसेंस का हमेशा आपने ख्याल रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, टीन एजर्स नो आएगी, आपकी भी एज आएगी, और जो चीज़ अवेलेबल है ना उसके लिए भागना नहीं है, वक्त से पहले कोशिश करनी है लेकिन वक्त से पहले नहीं। अच्छा एक ये कलेक्शन, अच्छा दूसरी कलेक्शन में हमारे पास जी सबसे पहले वही लाइसेंस, अच्छा ये है ग्लॉक 26। ग्लॉक 26 मुझे अच्छा इसीलिए लगता है, एक तो ये कॉम्पैक्ट पिस्टल है, कॉम्पैक्ट है और ये इजी कैरी हो जाता है, ये अक्सर औकात हम जल्दबाजी में नमाज वगैरह पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको जेब में भी रख लेता हूँ। ये ग्लॉक 26 आप देखें ब्लैक कलर में है, ये Gen 4 है, ग्लॉक 26 Gen 4, और ये इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा ग्रिप लगाई हुई है 19 का मैगजीन में इसको यूज़ करता हूँ ग्रिप लगा के, वो थोड़े 10 शॉट और उसकी वजह से सॉरी जी 19 का। अच्छा दूसरे इसके भी एक मांगे, वो लाइसेंस एनी टाइम आपने एनी टाइम एनी वेयर आपने रखना है। एक ये कलेक्शन है जी, मैं आपको दूसरी कलेक्शन आपको इस पर दिखाता हूँ, ए उफ फेवरेट हॉट फेवरेट आइटम मेरा हॉट फेवरेट आइटम जस्तावा, ये देखिए जस्तावा 34 में M597, आप अगर इसकी कंडीशन को जूम कर सके मैं आपको इसको अलग से रिव्यू दिखाऊंगा। एक जस्तावा ये जस्तावा आ गया, ये इसके मैगजीन से आ गए, इसकी खासियत आउट, इसकी खासियत वगैरह मैं बिल्कुल एक अलग से रिव्यू में बताऊंगा आपको जस्तावा, लेकिन ये हॉट फेवरेट मेरा क्यों है और ये बताऊंगा। और ये देखें लाइसेंस्ड एनी टाइम एनी वेयर, लाइसेंस हर चीज का आपके पास वैलिड लाइसेंस। अच्छा अक्सर होगा लाइसेंस ये होता है लोग ये करते हैं जो मेरे करीब सर्कल्स में हैं, तो लाइसेंस बना लेते हैं उनको वैलिडेशन नहीं पता होती जी कब खत्म होता है, तो हमेशा याद रखिए कि हर साल लाइसेंस एक्सपायर होता है, लाइसेंस की म्याद ख़त्म होती है जो आपने रिन्यूअल करानी हो, तो लाइसेंस नहीं ख़त्म होता। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी हमारा लाइसेंस 2023-24-25 तक था वो ख़त्म हो गया, नहीं वो आपने अपने करीबी कंसर्न बैंक से NCB जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से जाके उसको रिन्यूअल करवाना है और फिर उसकी कंप्यूटराइज एंट्री आपने करवा लेनी है। तो सर और हॉट फेवरेट आइटम आपको मैं दिखाऊं, अच्छा जी ये ऐसे ये जी ऐसे ये देखें फिर वही वाली बात एवरी टाइम एवरी वेयर आपने रहा। अच्छा जी ये है कानूनी एस टर्की मैट, ये टर्की मैट है, ये 2009-10-11 में मेरे ख्याल से मैंने परचेज किया था, और ये देखें सेम इसकी कंडीशन भी है। अच्छा ये खाली है बिल्कुल ना, आप लोग कह रहे होंगे शायद मैं वायलेशन कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने अभी इसको करा है कि ये खाली, मैं घर में कोई भी चीज़ घर में अपनी मौजूदगी या गैर मौजूदगी के उसमें मैं कोई भी चीज़ लोडेड नहीं रखता, यहाँ तक कि मैं मैगजीन में बुलेट्स भी नहीं डालता, मैंने बुलेट्स बिल्कुल अलग रखी हुई। अच्छा बुलेट्स के ऊपर बात आई तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कभी भी आपने जो है लोकल बुलेट इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे आपके पास वेपन लोकल मेड है, इंग्लिश मेड है, फॉरन मेड है, लाख का है, मिलियंस का है या हज़ारों का है,
लोकल बुलेट इस्तेमाल नहीं करनी। लोकल बुलेट्स का नुकसान जितना वेपन को उससे ज़्यादा आपको है। खुदा ना खासा अगर आपके हाथ में ब्लास्ट होता है, बहुत से एक्सीडेंट हमने लाइव भी देखे हैं कि बुलेट्स की वजह से जो है ना वेपन ब्लास्ट होता है, हाथ में नुकसान होता है। तो काइंडली बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मेरे ख्याल से चंद हज़ारों का फ़र्क होगा। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो उसके चले। सबसे कीमती चीज़ इस शौक के लिए आपके पास ये होना ज़रूरी, सबसे कीमती चीज़, इसको आपने टाइम देना। अच्छा ये इजी है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे लाइसेंस नहीं बनते, तो मैं उनको बोलूँगा कि जी ऐसा नहीं है, आप अपने कंसर्न डीसी ऑफिस, अपने कंसर्न होम डिपार्टमेंट जाएं तो आपका लाइसेंस बन सकता है। तो आप वहाँ फॉर्म जो वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कम्प्लीट करें और जो है वेटिंग पे जाएं, आपको टोकन मिलेगा, आप फीस पे करें, आप बायोमेट्रिक कराएं और जो आपकी वेरिफिकेशन है वो करवाएं। अच्छा लाइसेंस जिनको नहीं मिलते उनमें एक ये है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका हो, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। सिंध का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, कहीं का भी लाइसेंस हो, आम लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा क्रिमिनल। दूसरा, आप अगर 25 साल से छोटे हैं, टीन एज के अलावा अगर आप 25 साल से छोटे भी हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं पहले कहता था टीन एज, अब मैं कहूँगा कि 25 साल से जो छोटे लोग हैं ना, तो काइंडली वो वेपन से दूर रहें, सर्च भी ना करें। अक्सर वो कहते हैं जी फेसबुक पे ऑनलाइन ये वो, मत जाना पापा, लंबा चक्कर है, कोई मत जाना। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। दोबारा से हवाई फायरिंग, सबसे पहले एक बात हो रहा है, हवाई फायरिंग क्यों करते हैं, मुझे तो क्यों करते हैं जवाब मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों करते हैं। हवाई फायरिंग नहीं करनी, न्यू ईयर, 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, शादी, मंगनी, ब्याह, कोई खुशी त्यौहार, नहीं हवाई फायरिंग नहीं। आप लाइसेंस रहे आपके पास, आपके पास वेपन है, आपके पास बुलेट्स हैं और आपको अच्छा लगता है फायर करना, नो इशू। शूटिंग रेंज बनी हुई है कराची में, इस्लामाबाद में, आप पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी हैं, शूटिंग रेंज अवेलेबल हैं सिविलियंस के लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि जी नहीं वो जो है हमारे फोर्सेस के लिए, ऐसा नहीं है, सिविलियंस के लिए भी शूटिंग रेंज है जहां वो स्पोर्ट्स शूटिंग भी कर सकते हैं और अपना जो वेपन है वो चेक कर सकते हैं। अक्सर लोग हवाई फायरिंग इस मत से कर रहे होते हैं जी हम वेपन चेक कर रहे हैं, तो काइंडली हवाई फायरिंग ना करें। अच्छा बहुत ज़्यादा आप शूटिंग रेंज पर भी नहीं जा रहे हैं तो जो सन्नाटे के इलाके हैं, मतलब कि जहाँ दूर दूर कोई भी जानदार चीज़ ना हो और जहाँ गोल रिफ्लेक्शन, तो आप बजरी की किसी टीले पे आप स्ट्रेट फायर कर लें, कम से कम आपको ये पता होगा कि आपने जो फायर किया है वो यहीं पे किया है। हवाई फायरिंग में आपको नहीं पता है कि आपकी जो गोली है वो कहाँ जा रही है, तो काइंडली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। दोबारा से बोलूँगा कि लाइसेंस के बगैर असले का शौक मत रखिएगा। टीन एजर्स, 25 माइनर जो हैं, छोटे जो हैं वो, और जो हवाई फायरिंग वाले, काइंडली ये मत करिएगा। जुल्म है, ये आप अपने साथ भी जुल्म करते हैं, अपने वक्त के साथ, पैसे के साथ और दूसरों के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता। जिस तरह मेरे आपके बच्चे, मेरे आपके माँ बाप, बहन भाई बाहर घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो इसी तरह और भी मखलूक हैं। ये नहीं कि सिर्फ इंसान, कोई भी जानदार चीज़ जिसके अंदर जान है और उसका कत्ल हो जाए या उसकी जान ज़ाया हो जाए, तो ये इंसानियत के लिए बेहतर नहीं है। तो ये चीज़ इंसानियत के लिए बेहतर नहीं है। वाई फायरिंग काइंडली बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना भी। और आज की वीडियो में मेरे ख्याल से मेरे पास यही है कलेक्शन में, बाकी मेरी कलेक्शन जो है वो मैं आपको इनशाला नेक्स्ट उसमें दिखाऊँगा। अभी मैं रिव्यू इसलिए थोड़ा सा किया था क्योंकि आपको पता है मैं शूटिंग रेंज पर जा रहा हूँ, तो अभी टाइम भी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं अभी फिलहाल जो कलेक्शन अपने साथ लेकर जा रहा हूँ अपनी होम कलेक्शन, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी कलेक्शन दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच अगेन लाइसेंस।